तो हमास के साथ जारी जंग के बीच इजराइल डिफेंस फोर्स ने बड़ा दावा किया है। आईडीएफ के मुताबिक हमास का मुख्य ठिकाना गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अलशिफा अस्पताल के नीचे है। आईडीएफ ने इससे जुड़ी सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं। आईडीएफ के मुताबिक उनके पास सबूत हैं कि हमास के सैकड़ों लड़ाके गाजा के अलशिफा अस्पताल में छिपे हैं और यहां तक पहुंचने के लिए खुफिया सुरंगों का इस्तेमाल होता है। इसराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी इससे जुड़ा वीडियो जारी किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हमास बहुत ही घिनौना है। उन्होंने अपने आतंक के लिए अस्पतालों को मुख्यालय में बदल दिया है। इसराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ने कहा कि हमास अस्पतालों से जंग छेड़ रहा है, साथ ही अस्पतालों में ईंधन भी स्टोर किया गया है जिससे उन्हें ऑपरेशन में मदद मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि अलशिफा और दूसरे अस्पतालों में हमास के आतंकी खुले में घूमते हैं।